सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फिलहाल चैप्टर फिफ्थ कर रहे हैं, जिसका नाम है द चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम। ये इंडियन पॉलिटिक्स का जो है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की दो पार्ट्स हैं 12th क्लास में, उसके सेकंड पार्ट में से है ये चैप्टर। और ये चैप्टर इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार ही नहीं, हमेशा से ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व मेरे पास हैं, इसके NCERTs के सभी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आए हैं, वो सभी आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ये कुछ NCERTs में जो टेक्स्ट में होता है कि MCQs वगैरह कुछ दिए हुए हैं पहले, तो MCQs हम देख लेते हैं कि MCQs कुछ नहीं है इसमें, ये सब आप चीज़ें, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ जो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, या जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो आपको कहीं भी किसी भी जगह, ये जो मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हैं इसमें, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको स्किप कर देनी है, ये क्वेश्चंस कभी भी CBSE नहीं पूछता, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है, ये आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, बाकी ये क्वेश्चंस कभी भी CBSE नहीं पूछेगा, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन CBSE पूछ लेता है अपने एग्जाम्स में। तो देखिए, एक तो ये जो क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस ऑफ द डिफीट ऑफ द कांग्रेस इन 1967, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसमें फर्स्ट हम जो ए पॉइंट है, इसमें से हमको बताना है कि हमको रीजन देने हैं कि किस वजह से 1967 का जो 4th जनरल इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस की डिफीट क्यों हुई थी। तो उसमें ये दिखाना है हमको कि किस वजह से क्या कारण थे, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। तो जो ए था, द एब्सेंस ऑफ करिश्मेटिक लीडर इन द कांग्रेस पार्टी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, इसमें लिखा होगा उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अच्छे करिश्मेटिक लीडर्स थे, जैसे के कामराज थे, एन निजलिंगप्पा थे, काफ़ी ऐसे लीडर्स थे जो उस समय भी ज़बरदस्त थे, जो करिश्मा था जिनके अंदर, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो वो लीडर्स भी इसमें प्रेजेंट थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की डिफीट हुई। तो ये जो है, ये एक वैलिड रीज़न नहीं है, देर वर करिश्मेटिक लीडर्स इन द कांग्रेस पार्टी, इट मे नॉट बी द रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज देर वर सो मैनी एक्सपीरियंस्ड एंड करिश्मेटिक लीडर्स इन द पार्टी, सो ये रीज़न नहीं है। अब दूसरा, स्प्लिट विद इन द कांग्रेस पार्टी, येस इट वॉज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द स्प्लिट फॉर द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। नाउ पार्टी वॉज स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स, आपको पता होगा टू ग्रुप्स कौन थे, एक तो थी सी, कांग्रेस आर बन चुकी थी, एक तो जो कांग्रेस आर थी वो थी कांग्रेस रिक्विशनिस्ट्स, जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी की जो थी वो थी ये सी आर, और जो दूसरी बनी थी वो थी कांग्रेस, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो दूसरी बनी थी वो थी सी ओ, ये जो सी ओ थी ये थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, या कांग्रेस ओल्ड से इसको याद कर लीजिए आप, ओ से ओल्ड, इसके अंदर सब वो लीडर्स थे जैसे जो सिंडिकेट जिनको बोला जाता। तो हाँ, तो हम थे बी पॉइंट पर, हमने इसमें समझ लिया था कि जो सिंडिकेट लीडर्स थे उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गई थी कांग्रेस पर, और जो इसी कारण जो कांग्रेस थी उसका उसके दो टुकड़ों में वो बट गई, और इस कारण ये एक मेन रीज़न था कि कांग्रेस की हार हुई, कांग्रेस की जो सीट्स थी वो काफ़ी कम हो गई थी 4th जनरल इलेक्शन में जो हुए थे 1967 में। तो अब उसके बाद तीसरा रीज़न है इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन ऑफ रीजनल एथनिक एंड कम्यूनल ग्रुप्स। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ अकाली दल जो था, जो पंजाब के अंदर एक रीजनल पार्टी बनकर उभर रहा था, जो DMK, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, DMK की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ये तमिलनाडु के अंदर काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, और ऐसी बाकी रीजनल पार्टीज कहीं कहीं पर मजबूत हो रही थी, हरियाणा में उस समय पर इंडियन नेशनल लोकदल और संघ मजबूत हो रहा था, इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजनल पार्टीज अपने पैर पसार रही थी, और इस कारण जो कांग्रेस थी उसको एक सेटबैक मिला, क्योंकि वहाँ के जो रीजनल पार्टीज थी वो सभी के कैंडिडेट जीत जीत कर आ रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर फाड़ हो रहे थे, वो बट रही थी बार बार, उस वजह से उसके अंदर जो उसके जो कैंडिडेट्स थे, जो लोगों का विश्वास था उस पर से वो खत्म हो रहा था। द पार्टी कुड नॉट गेट द मेजोरिटी एट द सेंटर एंड हैड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ पावर इन वेरियस स्टेट्स। तो इसकी वजह से कांग्रेस को क्या हुआ, इसकी वजह से उसको ना तो मेजोरिटी मिली सेंटर में, और उसकी वजह से कई स्टेट्स में जहां पर एग्जिस्टिंग सरकार कांग्रेस की थी वो सरकार भी कांग्रेस की चली गई। उसके बाद डी, देयर वॉज नो यूनिटी अमंग द नॉन कांग्रेस पार्टीज
अब फोर्थ है इंक्रीजिंग यूनिटी अमंग नॉन कांग्रेस पार्टीज. देर वॉज नो यूनिटी अमंग द नॉन कांग्रेस पार्टीज, सो द नॉन कांग्रेस पार्टीज गोट बेनिफिट इन अदर प्रोविंसेज. किसी भी तरीके की यूनिटी तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा यूनिटी कांग्रेस नॉन कांग्रेस पार्टीज में नहीं थी. जो ऐसी पार्टियां थी जो कांग्रेस में नहीं थी, जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी चुनाव, अगर वो सभी उस समय पर इकट्ठा हो जाती तो कांग्रेस को उस वक्त क्लीन स्वीप भी किया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं था. वो जो पार्टीज थी उनकी खुद की एस्पिरेशंस थी, उनकी खुद की आइडियोलॉजीज थी. और जब कोई भी दो ऐसी पार्टी साथ आती हैं सिर्फ एक तीसरी पार्टी को हराने के लिए, तो उनके पास एक मकसद होना चाहिए जिसको बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी एब्सेंट था. तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से कांग्रेस जो थी उसको कुछ सेटबैक मिला, लेकिन इतने बड़े लेवल पर सेटबैक नहीं मिला. तो ये कोई रीज़न नहीं था जिसकी वजह से कांग्रेस हारी, क्योंकि नॉन कांग्रेस पार्टीज़ के अंदर यूनिटी नहीं थी. उसके बाद इंटरनल डिफरेंसेस विद इन द कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल ये एक रीज़न था, ये एक रीज़न था, ये एक रीज़न नहीं था, ये एक रीज़न था और ये एक रीज़न था. तो ये चार रीज़न्स ऐसे थे जिनकी वजह से कांग्रेस जो थी वो हार गई थी चुनाव. और ये जो फोर्थ है, इसके इंटरनल डिफरेंस जो थे पार्टी के अंदर, वो काफ़ी बड़े कॉज थे, क्योंकि पार्टी के अंदर फैक्शंस क्रिएट हो गए थे. राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी थे, वो सभी अब बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे. तो इस तरीके से जो अलग अलग फैक्शंस थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के बड़े नेता थे, वो अब चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी से हटें, क्योंकि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच में नहीं रहे थे. उसके बाद इस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनफैक्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेवंथ क्वेश्चन. इसको आप ध्यान से देखिए, सेवंथ क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन. व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट इन अर्ली 1970s? तो इसके इतने पॉइंट्स हैं. अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो भी काफ़ी ठीक रहेगा. ये मैं इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा. अभी आपके लिए इतना ज़रूरी है जानना. सोशलिस्ट क्रीडेंशियल्स बिकेम मेन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड. 1970s का जो पीरियड था उसमें इंदिरा गांधी जो थी वो एक बड़ी नेता बनकर उभरी थी. उनकी जो जन सुधार नीतियाँ थी, उनका जो जनता के साथ संवाद था, जिस प्रकार आज मोदी जी का जनता के साथ संवाद है, वो किस तरीके से जनता के साथ बात करते हैं, उनके साथ उनका एक कनेक्ट जो है वो दुनिया में, जो इंडिया में है, उसका वो काफ़ी बढ़ गया है. इसी तरीके से उस समय पर जो सोशलिस्ट जो क्रीडेंशियल्स, जो उस समय पर समाजवादी जो बातें इंदिरा गांधी जी करती थी, जैसे गरीबी हटाओ, इस तरीके की जो बातें थी वो सीधा आम जन साधारण की बातें थी. और इन्हीं कारणों की वजह से इंदिरा गांधी जी की पहुंच बढ़ चुकी थी. दूसरा, इंदिरा गांधी कैंपेन टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन एंड लैंड सीनिंग लेजिस्लेशन. स्मॉल फार्मर्स को भी ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी आगे बढ़ रही थी. उन्होंने जो कैंपेन किया चुनाव के दौरान, जो प्रचार किया, उसमें उनका एक मुद्दा था जिसमें वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करती थी, भूमि सुधार के कार्यों की बात करती थी, जिसकी वजह से जो छोटा किसान था वो उनका वोट बैंक बन गया था. और इस वजह से जो पॉपुलैरिटी थी इंदिरा गांधी की वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि छोटे किसान तक वो पहुँच चुकी थी. शी एंडेड हर डिपेंडेंस ऑन द पोलिटिकल ऑन अदर पोलिटिकल पार्टीज बाय स्ट्रेंथनिंग हर पार्टीज पोजिशन एंड रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970s. ऐसा हुआ था कि 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी थी देश में. हंग असेंबली के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की बन गई थी. तो इस वजह से 1970 तक आते आते वो जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो वो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी. तो उस समय पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने ये देखा कि इस समय पर जो सरकार है वो सही नहीं चल रही है. तो उन्होंने ये किया कि त्याग पत्र सरकार को लोकसभा को डिसोल्यूशन में डाल दिया. उन्होंने चाहा कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, इसके अंदर कोई सरकार ना रहे, ताकि उसके बाद उनका एक उभर कर ये पॉइंट आए कि उनके जो द्वारा काम किए जा रहे हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ लोगों का समर्थन है. और इस वजह से जो अगला चुनाव होगा 1967 के बाद, 1972 में चुनाव था, 1971 में उसको बोल देते हैं क्योंकि वो एक साल का जो गैप बन गया था उस वजह से, तो वो जो चुनाव थे उनमें इंदिरा गांधी जी की क्लियर मेजोरिटी आई थी. और वो डिसीजन इंदिरा गांधी का एकदम सही साबित हुआ था कि उन्होंने ये दिखा दिया जनता को कि उनके जो वादे हैं या उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको किसी और दूसरी पार्टी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है. इंदिरा गांधी जी ने अपनी खुद की पार्टी को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था. द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडो पाक वॉर टू एस्टेब्लिश बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट वन ऑल्सो एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी. जो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे जो इंदिरा गांधी जी लेती रहती थी, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और इंडो पाक वॉर को एस्टेब्लिश करके बांग्लादेश को बना देना, अलग से बांग्लादेश को डिवाइड कर देना,
ऐसी कुछ जो चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने की थी उनकी वजह से जो जो पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी की वो बढ़ गई थी, वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लीडर की तरह उभर कर सामने आई। ये लोगों को पता लगा कि जो देश में नेता है वो मजबूत स्टैंड ले सकता है, उसका जो देखने का तरीका है चीज़ों को वो काफ़ी मजबूत है। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये खूबी मानी जाती है कि हमेशा से स्ट्रॉन्ग विल्ड मानी जाती हैं ये। इन्होंने प्रीवी पर्सिस तक को ख़त्म कर दिया। प्रीवी पर्सिस आप लोग आगे पढ़ेंगे, मैं चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोज़ में आपको ये दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छे से ये वीडियोज़ अगर आपको चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ रहे हैं तो आप मेरी जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ हैं वो देखें। तो इन वीडियोस में अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने काफ़ी हार्ड बाउंड स्टेप्स लिए थे। जैसे प्रीवी पर्सेस एक अलाउंस था जो प्रोविंसेस को मिलता था, जो किंग्स को मिलता था। जब हमारा इंडियन यूनियन में एसेशन हुआ, जब वो सारे प्रोविंसेस को मिलाया गया सरदार पटेल ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, जब इंडिया वन हो गया था, उसके बाद भी जो नवाब थे या जो उनके परिवार के लोग थे, जो उनके हेयर लीगल हायर्स थे, उन सभी को कुछ अलाउंस मिलता था जो केंद्र सरकार देती थी, तो वो एक बिना बात का खर्चा था। तो जब इंदिरा गांधी आई और उन्होंने इस बारे में सोचा तो 1960s लेट 1960s में प्रीवी पर्सिस को ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से उस समाज में जो राजा थे उनके वो जो उस तरीके के लोग थे, जो घराने थे, उनमें तो उसका विरोध हुआ, लेकिन लोगों के पास एक अच्छा संदेश गया कि ये एक ऐसी नेता आई है जिसने जो गरीब का पैसा है वो उसको उसको बिना बात की फिजूल खर्ची को रोक दिया। तो इस वजह से भी इंदिरा गांधी जो थी उनकी काफ़ी तारीफ होती थी उस समय। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वॉज नॉट एक्सेप्टेड ओनली एज प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड बट एज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑल्सो। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उसकी जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी वो क्लीन स्वीप करके आई थी। जो इंदिरा गांधी के कैंडिडेट्स थे वो जबरदस्त थे, वो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो ऑलरेडी कितनी कितनी बार MLAs बन चुके थे, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में नेहरू जी के साथ, या काफ़ी इस तरीके के जो करिश्मेटिक जो कैंडिडेट्स थे, इस वजह से जो पार्टी की रूट्स थी वो काफ़ी मजबूत थी। कुछ फैसले इन्होंने ऐसे लिए थे, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था 1969 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने। तो उसकी वजह से भी उनको ये देखा गया कि जो पुअर हैं वो उनको अपने मसीहे की तरह देखने लगे। इन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ। तो इस तरीके के जो नारे थे उनकी वजह से जो बेस था इंदिरा गांधी का देश में वो काफ़ी मजबूत बना, और इसी की वजह से जो सरकार थी वो भी काफ़ी मजबूत थी। कांग्रेस बिकेम पॉपुलर अमंग डिफरेंट सोशल सेक्शंस एंड रिस्टोर्ड डोमिनेंस अगेन। और ये वो समय था जब कांग्रेस एक बार तो हाशिए पर आ चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको भरने में काफ़ी समय लगा, और एक समय ऐसा भी आया 1967 का जब वो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और कांग्रेस एकदम डूबता हुआ जहाज बनी। लेकिन दोबारा से इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस को उदय हुआ। कांग्रेस ने ये देखा कि उसकी जो डोमिनेंस थी वो वापस आ रही थी, लोगों के अंदर उसका विश्वास दोबारा फैल गया था। और वो इसी वजह से था क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज काफ़ी रिजिड थी, काफ़ी डिटरमाइंड लीडर बनकर वो उभरी थी। और इस वजह से जो 1970s में जो गवर्नमेंट जो थी उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव भी जीती थी। तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी 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 ये क्वेश्चन हमेशा आप यूँ लगाइए कि 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या फिर कभी कभी तो 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि वट वर द रीजन्स ऑफ इंदिरा गांधीज पॉपुलैरिटी इन गवर्नमेंट्स पॉपुलैरिटी इन 1970। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िएगा। मैं इन PDFs को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकें। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है इन PDFs को समझने में तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि जो भी आपकी दिक्कत है, आपके सजेशन, आपके इनपुट्स हैं, मैं उसको एड्रेस करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि वट डज द टर्म सिंडिकेट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ द 60s, वट रोल डिड द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी। तो जो सिंडिकेट थे मैंने आपको बताया था, ये कांग्रेस ओ जो थी, कांग्रेस ओल्ड, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कांग्रेस ओ से इसका संबंध है। जो सिंडिकेट लीडर्स थे वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर से ही, जो कभी खुद इंदिरा गांधी को आगे लाए थे, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इनको ही दूर कर दिया, इनको ही हटा दिया, इस वजह से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की पावर को कंट्रोल करना चाहते थे। तो इंदिरा गांधी ने समझा कि अभी सही समय है कि मैं इनको हटा दूं, अदरवाइज ये मुझे कंट्रोल करेंगे और ये कांग्रेस पार्टी को भी कंट्रोल करेंगे। और इस वजह से जो सेंटर था कांग्रेस पार्टी का, कि इसमें सभी की आवाज़ जो थी वो उभर कर सामने आनी चाहिए, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ग्रुप पूरी कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करें। तो उस समय इंदिरा गांधी ने ये समझते हुए, अपनी सोच समझ के कारण, इनको दूर कर दिया था।
और इस वजह से ही कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। सिंडिकेट वॉज लेड बाय के कामराज। के कामराज वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस लीडर, आप इसको याद रखिए, इस नाम को याद कर लीजिए, के कामराज को। अगर सिंडिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें के कामराज का मेंशन करना बहुत जरूरी है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड द देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। इट ऑल्सो इंक्लूड सम पावरफुल लीडर्स लाइक एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में, एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप याद कर लीजिए। अगर आप इनको एग्जाम में लिखते हैं, अगर सिंडिकेट के क्वेश्चन में, तो श्योर शॉट आप अच्छा इसमें अचीव कर पाएंगे, इसमें आपके मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एग्जाम में। तो इन पीडीएफ्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, जितना मैं इन वीडियोस में बता रहा हूँ वो काफ़ी है आपको इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास है नहीं जो आप समझ ना पाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एकदम बेस बनाना है इस चैप्टर में, तो इसकी प्रीवियस वीडियोज़ जो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बनाई है वो ज़रूर देखिएगा। सिंडिकेट प्लेड अ डिसिसिव रोल बाय इंस्टॉलिंग बोथ लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी एट प्राइम मिनिस्टर लेवल। इन जो सिंडिकेट थे काफ़ी पावरफुल ग्रुप था, वही बार बार इसमें बातें आ रही हैं। सिंडिकेट प्लेड डिसिसिव रोल इन इंदिरा गांधी फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी उसमें भी जो मिनिस्टर्स बने थे वो भी काफ़ी पावरफुल पद होते हैं, जो यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो सिंडिकेट थे उन्होंने काफ़ी डिसिसिव रोल प्ले किया था मंत्रियों को बनवाने में, और पॉलिसीज की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें भी सिंडिकेट का काफ़ी अच्छा से था। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ टू ग्रुप्स इन कांग्रेस वर क्रिएटेड, द कांग्रेस ओ लेड बाय सिंडिकेट आ गया और कांग्रेस आर लेड बाय इंदिरा गांधी। तो वही इसमें बताया कि स्प्लिट हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस ओ थी उसको सिंडिकेट ने हैंडल किया और जो कांग्रेस आर थी उसको इंदिरा गांधी ने हैंडल किया। कांग्रेस आर वॉन पॉपुलैरिटी आफ्टर 1971 एंड सिंडिकेट लॉस्ट पावर एंड प्रेस्टीज। हुआ क्या, जो कांग्रेस आर थी, जो इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी, वो 1917 के इलेक्शंस के दौरान इतनी पॉपुलैरिटी पा गई कि जो कांग्रेस ओ था उसका नामो निशान सा ही खत्म हो गया। कहीं ना कहीं सभी लीडर्स हार गए, के कामराज अपनी खुद की असेंबली सीट से हार गए, एन निजलिंगप्पा खुद की सीट से हार गए। जो सिंडिकेट लीडर्स थे उनकी प्रेस्टीज और उनकी पावर दोनों उनके हाथ से चली गई। तो ये हुआ, ये था सिंडिकेट्स के बारे में। ये दो नंबर में क्वेश्चन लाइकली है कि ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर सिर्फ इतना ही पूछ सकते हैं कि जो सिंडिकेट थे उसके अंदर आपको तीन लीडर्स के, चार लीडर्स के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से लीडर्स जो थे वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो मैंने आपको जो ऊपर नाम दिखाए हैं ये नाम आप देख लीजिए, एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष और के कामराज। इन पांचों में से कोई तीन नाम ये दे देंगे और एक नाम कोई अलग लीडर का दे देंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो कुछ लीडर्स थे ये इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। अगर इनको छोड़कर किसी और लीडर का नाम आता है जो आपने नहीं सुना, तो यानी वो सिंडिकेट के अंदर प्रेजेंट नहीं था। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफ़ी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी डीप इस चैप्टर में से है और इसके चांसेस काफ़ी हैं कि ये पूछा जाए। तो उसके बाद हम डिस्कस द मेजर इशू विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप याद, इसको तो आप ढंग से याद कर लीजिए। डिस्कस द मेजर इशू विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस पार्टी 1969। कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट का मेजर रीजन क्या था ये आपको बताना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस इन 1969 ऑन द इशू ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए काफी रीजंस थे, एक तो स्प्लिट की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये था कि इंदिरा गांधी जो थी उनकी कुछ सोच अलग थी, और जो दूसरे लोग जो इंदिरा गांधी को चलाना चाहते थे जैसे के कामराज, एन निजलिंगप्पा, इनकी सोच कुछ अलग थी। तो इस वजह से जो फैसले थे पार्टी के वो हमेशा से स्थगित हो जाते थे, बार बार उनका कोई एक स्टैंड नहीं बन पाता था। तो इस वजह से जो फाड़ थी, जो पार्टी के अंदर जो आइडियोलॉजीज थी वो आपस में ही टकरा रही थी, एक पार्टी होते हुए भी एक डिसीजन ना ले पाना, ये कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से पार्टी में बिखराव शुरू हुआ, नेता छोड़कर जा रहे थे। जब इंदिरा गांधी ने इस बात को समझा और देखा कि अगर इस तरह इसको नहीं रोका गया तो ये बढ़ जाएगी, तो उन्होंने अपना स्टैंड लेना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने, डिस्पाइट इंदिरा गांधीज रिजर्वेशंस, द सिंडिकेट नॉमिनेटेड नीलम संजीव रेड्डी। जो सिंडिकेट थे, इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई और प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़े, जबकि जो सिंडिकेट थे उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को
ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर इंश्योरिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा कर दिया सिंडिकेट्स ने, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई और खड़ा हो। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्होंने क्या किया, खड़ा कर दिया नीलम संजीव रेड्डी को। तो इस वजह से ये दिखा कि कांग्रेस कुछ और कह रही है, और जो कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, वो कुछ और कह रही हैं। तो ये फैक्शन जो था, जो आइडियोलॉजिकल फैक्शन था विद इन द पार्टी, ये बढ़ता जा रहा था। तो ये एक मेन रीजन था। ये पॉइंट जो इसमें आए हैं, ये आपको सभी मेंशन करने हैं एग्जाम में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बजाय इसके कि उन्होंने क्या, जो सिंडिकेट थे उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट करवाया इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद हुआ क्या, ड्यूरिंग इलेक्शन द कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा इशूड अ व्हिप अगेंस्ट ऑल कांग्रेस एमपीज एमएलएज टू वोट फॉर एन संजीव रेड्डी। व्हिप का मतलब होता है, ये जो व्हिप है इसका मतलब होता है एक जरूरी ऑर्डर। तो इस व्हिप में जो जो एस निजालिंगप्पा थे, जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आप, उन्होंने एक व्हिप जारी कर दी सभी एमपीज एमएलएज को, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें सभी एमपी एमएलएज वो करते हैं, वोट करते हैं। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई अगर तुमने वोट नहीं किया एमपी और एमपीज और एमएलएज ने जो कांग्रेस के थे, उसके मतलब जरूरी था कि वोट करें वो नीलम संजीव रेड्डी को। हुआ ये कि वीवी गिरी को सपोर्ट किया गया बाहर से, और वीवी गिरी जो थे वो लास्ट में प्रेसिडेंट बन गए। इलेक्शंस वेंट इन फेवर ऑफ वीवी गिरी ड्यू टू द डिप्लोमेटिक एफर्ट एंड एन संजीव रेड्डी वाज डिफीटेड। द डिफीट ऑफ एन संजीव रेड्डी द फॉर्मल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इनटू टू। अब इस बात से ये साबित हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लीडर्स थे वो एक ऐसे कैंडिडेट को जितवा ही नहीं पा रहे जो उन्होंने खड़ा किया, तो इससे फॉर्मलाइज जो ठप्पा था कांग्रेस पर वो लग चुका था कि अब कांग्रेस दो भागों में बंट चुकी है, क्योंकि एक भाग कुछ और चाहता है, एक भाग कुछ और चाहता है। तो कांग्रेस ओ द ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द सिंडिकेट नोन एज ओल्ड कांग्रेस, कांग्रेस आर रिक्विशनिस्ट लेड बाय इंदिरा गांधी नोन एज द न्यू कांग्रेस। तो ये आपको याद रखना है कि ये देख लीजिए, सिक्स पॉइंट के ही ए और बी ए पॉइंट है, कांग्रेस ओ और आर आप बता देना उसमें एग्जाम में। ये आपका जो था ये क्वेश्चन खत्म। अब ये इस तरीके के कुछ पैसेजेस भी एग्जाम में आते हैं, तो ये जो पैसेजेस आते हैं इनको भी आप लाइटली मत लेना। ये जो पैसेज होते हैं इनमें से मेरे ख्याल से 5 मार्क्स के ही आते हैं, या 8 मार्क्स के भी, कभी कभी 12 मार्क्स का भी आता है। तो इस तरीके से आपको कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा, जिस पैसेज को पढ़कर आपको उसके नीचे 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो इनमें आप अगर मार्क्स कटवाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने इस पैसेज को ढंग से नहीं पढ़ा, या इसके पीछे जो मतलब था उसको समझे नहीं। तो इसके लिए आप इन पैसेजेस को पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट पैसेज हैं। इसमें आपको मैं कुछ समझाऊं ऐसा कुछ खास बात है नहीं। तो ये मैं पीडीएफ्स जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं इनको अपलोड कर दूंगा साथ में वीडियो के, तो इस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में था क्या। इस चैप्टर में मेनली ये बताया गया है कि कांग्रेस कैसे गिरी, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई उसके बाद दोबारा से कांग्रेस कैसे उठी, जब इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज, इंदिरा गांधी जी ने बातें की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, प्रीवी पर्सेस को एबोलिश किया, इस तरीके के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, तो जो वो ऐसी नीतियां लाई उसकी वजह से कांग्रेस कैसे दोबारा उठी, और उसके बाद कांग्रेस में कब स्प्लिट हुआ। कांग्रेस का जो स्प्लिट था वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि कांग्रेस में उस समय जो हालात चल रहे थे वो एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा था उस समय पर। तो वो भी इसमें काफ़ी ज़रूरी है। इस चैप्टर में कुछ एक दो चीज़ें ही ऐसी हैं जो ज़रूरी थी जाननी, और ये आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता लग जाएंगी। तो अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो क्वेश्चंस थे वो सोल्ड मेरे पास हैं। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे मैंने खुद इस बुक से पढ़ाई की थी जब मैं 12th में था, और यकीन मानिए इसमें से काफ़ी चीज़ें आई थी एग्ज़ाम में। ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए है कि आपको किस तरीके से एग्जाम के अंदर लिखना है। इन क्वेश्चंस को आप एज इट इज भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा और लिखना चाहिए एग्जाम में ये, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट इनफ नहीं है। 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए इनफ है, लेकिन जब 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको खुद का भी कुछ ऐड करना होता है। तो उसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको जरूर जरूर देखिए, क्योंकि बिना उनको देखे कोई फायदा नहीं है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद मेरे ख्याल से समझ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय टर्म कांग्रेस सिंडिकेट। देखिए वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, घूम घूम कर वही क्वेश्चंस दोबारा पूछ लेते हैं। मोरारजी देसाई के बारे में पूछ लिया, इन 1966 विच हु कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी। ये देखिए ये मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में कवर किया है कि मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ जब प्राइम मिनिस्टरशिप की बात आई थी।
तो इस तरीके की जो चीज़ें थी ये इसमें आएंगी, ये आप खुद देख सकते हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम थोड़े देख लेते हैं। एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग 1971 इलेक्शंस। ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ जो हमने अभी एनसीईआरटी में कवर किया था। एक तो इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इसके अलावा इन्होंने प्रीवी पर्सेस को एबोलिश किया, इन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, इन्होंने ऐसी चीज़ें की जो उस समय लोगों के दिलों पर छाप छोड़ रही थी। और यही रीज़न था कि जो इंदिरा गांधी थी उनको इतना ज़बरदस्त मैंडेट मिला, उनको उनको इतना अच्छे वोट शेयर मिले कि वो सरकार बनाई, और उन्होंने मजबूत सरकार बनाई। तो ये इसके रीजंस हैं, थ्री फैक्टर्स विच एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इन अर्ली 1970s। ये इसके इंदिरा गांधी कैंपेन टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, शी एंडेड हर डिपेंडेंस, द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने बांग्लादेश की स्थापना कर दी। तो ये इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद व्हाट डज डिफेक्शन स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाता है। डिफेक्शन का मतलब होता है जब आपने किसी एमएलए को जिताया, वो एमएलए कांग्रेस का था, लेकिन वो जीतने के बाद कहीं ना कहीं अपने किसी एक्शन में ये शो कर देता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ है, या वो जब विधानसभा में वोटिंग होती है या जब वो लोकसभा में वोटिंग होती है तो उस समय मौजूद नहीं होता, या फिर कांग्रेस के पक्ष में वोट ना करके बिल के विरोध में वोट करता है। जैसे अगर कांग्रेस कोई लॉ लाई है और उसके खिलाफ वो वोट कर देता है, तो इससे पता लग जाता है कि डिफेक्शन वो कर चुका है, वो पार्टी का नहीं रहा, वो एंटी पार्टी काम कर रहा है। तो इस वजह से जो डिफेक्शन थी वो शुरू हो चुकी थी। अब डिफेक्शन में क्या था, उस समय पर कोई कानून नहीं था डिफेक्शन के लिए। तो डिफेक्शन में क्या होता था कि एमएलए जीतते किसी और सिंबल पर थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को छोड़कर किसी और दल के साथ जुड़ जाते थे, जहां पर उनको पैसे मिलते थे या जहां पर उनको मिनिस्टरशिप ऑफर की जाती थी। तो इस वजह से जो डिफेक्शन पॉलिटिक्स थी उस समय इंडिया में, तोड़फोड़ की राजनीति थी, वो काफी चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि उस समय कोई कानून नहीं थे। आज उसके बाद कानून बना जिसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। उस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई भी नेता या कोई भी एमएलए जो किसी और सिंबल पर जीत कर आया है, अगर वो उसको खिलाफ जाकर पार्टी को छोड़कर और ज्वाइन करता है कोई दूसरी पार्टी, तो उसी टाइम पर उसकी जो एमएलएशिप है वो कैंसिल कर दी जाती है, वो एमएलए ही नहीं रहता या वो एमपी ही नहीं रहेगा अगर वो इस एंटी डिफेक्शन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो डिफेक्शन रेफर्स टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हू सिंबल ही शी इज इलेक्टेड एंड ज्वाइंस अनदर पार्टी। वही आ गया, दिस कल्चर डेवलप्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शंस। द टू डीमेरिट्स वर एज फॉलो, इट प्लेड एन अनइम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली। इसकी वजह से सरकारें बनी और गिरी हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, बहुत से स्टेट्स में ऐसा हुआ, अकाली दल में ऐसा हुआ। द कॉन्स्टेंट रियलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग्स पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन द पीरियड गेव राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम। एक नेता थे, हरियाणा की ही बात है ये, एक विधायक थे जिनका नाम था राम। तो वो जो विधायक थे वो बार बार क्या करते थे, कभी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते थे, कभी दूसरी पार्टी को छोड़कर तीसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी को छोड़कर पहली पार्टी में। उन्होंने मेरे ख्याल से 4 साल में, 5 साल की जो सरकार थी उसमें 20-22 बार शिफ्ट किया था, 20-22 बार वो किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में शामिल हुए थे। तो उस वजह से एक पॉपुलर बात, एक कहावत उस समय चल पड़ी थी जिसको बोला जाता है आया राम गया राम। तो वहां से ये टर्म शुरू हुई आया राम गया राम। इस आया राम गया राम की राजनीति का उदय उस समय ही शुरू हुआ था। तो ये फिर से एक पैसेज आ गया, इस पैसेज को आप खुद पढ़िएगा, इस पैसेज को आप खुद पढ़कर सॉल्व कीजिएगा। तो इस पैसेज में भी नॉर्मल बातें बताई गई हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को बाद में देखिएगा, सबसे पहले इन 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 आंसर्स को बाद में देखिएगा, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सबसे मेन पार्ट है। हमेशा फ्रेंड्स ये याद रखिए कि हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी मार्क्स कैरी करते हैं, और एक मेजर चंक जो आपके एग्जाम में आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उनसे आएगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर देते हैं तो उनकी जो क्वालिटी, ये भी आपको मैं एग्जाम टिप्स में शेयर करूंगा आगे आगे कि कैसे आपको ये करना है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। तो देखिए, तो अब ये क्या था, एनालाइज द सर्कमस्टांसिस दैट फेवर्ड इंदिरा गांधी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये इस तरीके के जो कुछ क्वेश्चंस थे, ये इस तरीके के क्वेश्चंस वैसे काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप इनको एक बार रीड कर लें। ये दिल्ली 2016 में आया हुआ है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो दिल्ली का पेपर होता है और जो ऑल इंडिया का सीबीएसई का पेपर होता है उस पे एआई लिखा होता है, ऐसे एआई,
तो वो जो ऑल इंडिया का पेपर होता है, वो ऑल इंडिया का पेपर दिल्ली के पेपर से इजी होता है। दिल्ली का पेपर हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस घुमा कर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दिल्ली के भी क्वेश्चंस पढ़ लें। अगर आप ऑल इंडिया आउटसाइड दिल्ली हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई का, तो आपका जो पेपर होगा वो ऑल इंडिया होगा। अगर आप दिल्ली में एग्जाम दे रहे हैं तो वो दिल्ली का होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप ये क्वेश्चंस भी पढ़ लें, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उसके बाद अब अचीवमेंट्स इसमें बताई गई हैं इंदिरा गांधी की, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें जो कुछ थी वो इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है। एग्जाम इन द, देखिए ये क्वेश्चन आ गया AI 2016, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इन द मेजर चेंजेस एट द कंट्री दैट द कंट्री विटनेस आफ्टर द एट द टाइम ऑफ फोर जनरल इलेक्शन इन 1967। तो ये जो क्वेश्चन है, द मेजर चेंजेस दैट वर द कंट्री विटनेस एट द टाइम ऑफ फोर जनरल इलेक्शन, वो क्वेश्चन मैंने इसको कवर कर चुके हैं पहले ही। एनालाइज थ्री मेजर फैक्टर्स विच लेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट इन अर्ली 1970। वही हम इसको दोबारा से कवर कर चुके हैं पहले, कि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने लैंड रिक्विजिशन, लैंड रिफॉर्म्स की बात की थी, और इंदिरा गांधी की बात की थी। ये सब चीज़ें जो थी, इन चीज़ों की वजह से जो इंदिरा गांधी थी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो ये इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखिए, ये सब ये इसके सभी ये इसी के पॉइंटर्स हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिन द थ्री मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस ड्यूरिंग 1969। वही थ्री मेन रीजंस कांग्रेस के स्प्लिट के पूछे, इस चैप्टर में से यही क्वेश्चंस आएंगे। अदर देन दीज क्वेश्चंस इस चैप्टर में से कुछ भी आना काफ़ी उसके चांसेस कम हैं। इस क्वेश्चन के मेन क्वेश्चंस ही हैं, इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस यही हैं कि स्प्लिट का मेन रीज़न क्या था, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न क्या था, सिंडिकेट क्या थे, और उस समय पर देश के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था उसके रीज़न, उसका उसके बाद जो कांग्रेस का उदय हुआ और जो वो गिरी, उसके इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, वही फॉर्मल स्प्लिट जो कांग्रेस में हो गया था, फॉर्मल यानी औपचारिक दिख गया था, ये कांग्रेस में दिख गया था कि अब जब दो कैंडिडेट, एक पार्टी से दो कैंडिडेट आ चुके हैं एक चुनाव लड़ने के लिए, तो उसने कहीं ना कहीं ठप्पा मोहर लगा दी कि कांग्रेस अब दो भागों में बढ़ चुकी है। तो ये था इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एनालिसिस कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो अभी आप जुड़े रहिए, अब ये चैप्टर फिफ्थ के आए हैं, अभी चैप्टर सेवन्थ सिक्स्थ और एट्थ का भी प्रोसेस चल रहा है, उसकी भी एनालिसिस थोड़ी देर में आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स, शेयर टू समवन, आप इसको शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि किसी को इससे फायदा हो सकता है। तो मीट यू गाइज, तो ओके, थैंक यू, बाय।